जब हम नीड की बात करते हैं तो रिमेंबर दैट दैट डिफरेंट परस्पेक्टिव रिलेटेड टू द नीड अगर हम मैसलोज हरारकी ऑफ़ नीड की बात करें तो उसके तहत भी फर्स्ट ऑफ ऑल वी मे हैव सम फिजियोलॉजिकल नीड्स जैसा कि रोटी कपड़ा मकान उसके बाद वी डेवलप टूवर्ड्स द सोशल नीड्स उसके बाद वी कैन डेवेलप टूवर्ड्स आवर नीड ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑब्वियसली उसके बाद वी कैन मूव टूवर्ड्स अवर एस्टीम एंड एक्चुअलाइजेशन अब इस हरारकी में जहां पर हम फिजियोलॉजिकल नीड्स से सिक्योरिटी सिक्योरिटी से सोशल सोशल से और उसके बाद एक्चुलाइजेशन की तरफ जाते हैं हमारे लिए बहुत जरूरी होगा यह समझना कि हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो किस नीड लेवल के ऊपर प्रीवेल वो कर रहे हैं और उस नीड लेवल के मुताबिक हम उनको अप्रोप्रिएटली कैसे एंटरटेन वो करें इस मकसद के तहत वी हैव टू आइडेंटिफाई एवरी इंडिविजुअल एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई देयर रिस्पेक्टिव नीड्स लाइक वाइज आर सर्टन पीपल इन आवर ग्रुप इन आवर टीम

वो नो डाउट आपसे डिफरेंट तरह की तवज्जो वो डिमांड करेंगी और उस डिफरेंट तरह की तवज्जो को मरकूज रखना उन लोगों के ऊपर बहुत जरूरी है Because जो शख्स भी जिस नीड लेवल पर है वो उसी के अंदर अपना एक एक्सचेंज वो क्रिएट करेगा अब सिर्फ हमारे पास नीड नहीं है देर आर सो मेनी अदर मोटिवेशनल well विच आर ऑलवेज फोकसिंग कि हम लोगों को सेटिस्फाई वो कैसे करें हम उनकी इंट्रेंसिक एंड एक्सट्रेंसिक एस्पेक्ट्स को वो कैसे डेवलप करें तो so, इन तमाम बातों का ख्याल रखना बीइंग अ लीडर वो बहुत जरूरी होगा नाउ रिमेंबर दैट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ नीड्स एंड डिफरेंट प्रस्पेक्टिव हमें कोशिश यह करनी है कि हम इन तीनों सर्कल्स को हम इन तीनों परस्पेक्टिव को वो आपस में मिलाकर वो चल सकें इनमें से कोई भी चीज इंडिपेंडेंट नहीं है दे आर ऑल इंटर रिलेटेड एंड दे आर ऑल एसोसिएटेड विद देटेड विदर फॉर एग्जाम्पल द टीम मेंटेनेंस नीड इज लिंक्ड विद द टास्क नीड द टास्क नीड इज लिंक्ड लिंक इंडिविजुअल नीड एंड ऑब्वियसली इंडिविजुअल नीड इज एसोसिएटेड विद रेस्ट ऑफ द नीड्स सो बींग लीडर हमें इन फर्क को समझना भी है और उसके मुताबिक सिचुएशन को टैकल भी करना है अपने क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज के साथ डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस सारी बात को कंक्लूड करें तो याद रखिएगा कि लीडरशिप इज ए टफ फिनमिना और उस टफ फिनमिना में आपको मुख्तलिफ तरह के सिचुएशंस का सामना वो करना होगा आपको मुख्तलिफ तरह के लोगों से रता वो कायम रखना होगा हर शख्स एक इनफरादी तौर पर आपके सामने चैलेंज के लिए चैलेंज के साथ हाजिर वो होगा एंड यू हैव टू सी कि आप उन चैलेंजेस को मीट वो कैसे करते हो चैलेंज सिर्फ शख्स की हद तक नहीं होगा बल्कि सिचुएशन का चैलेंज टास्क का चैलेंज और लोगों के आपस में रवाबत कायम रखने का चैलेंज ये तमाम तरह वो चीजें हैं जो आपको अ लीडर फेस करनी है थैंक यू